सो हम नेक्स्ट घर में आ चुके हैं जो कि है वो वाला विच इज अ सेमी डिटैच हाउस. थोड़ा मॉडर्न लुक है, आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा व्यू है अंदर. सो गाइस अंदर आते हैं, मास्क वास्क लगा दिया, थोड़ी आवाज मफल्ड होगी. Alright guys, come on in. So guys, this is a custom-built semi-detached and it's close to 1800 square feet. And the great part is this one has a 10-foot ceiling. You hardly see that much of ceiling in any house. Custom-built means अपने according to उसने घर बनाया. So वो थोड़ा costly होता है. Powder room है, obviously थोड़ा stylish है. ये पूरा घर modern actually में. तो amazing इसके होंगे. I've never seen such a big kitchen of a semi-detached in my life. So let's see. Look at the kitchen. This is dream kitchen, dream. मनप्रीत कुछ कहना चाहेगी इसके बारे में. कोई भी ले दो, ये भी चलेगा. चलो वो वाला बहुत महंगा है, बट आई थिंक ये थोड़ा सस्ता है ना. दिस इज ब्यूटीफुल, इतना बड़ा किचन, लवली. एंड लुक एट द मॉडर्न फिनिशिंग एंड ऑल. एंड आई थिंक दे हैव शेफ किचन, राइट? बहुत अमेजिंग है. लग्जरी होम्स तो भाई थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है. बैकयार्ड देखो इसका. रेलिंग्स हियर एज वेल, देयर इज द बुशेस इन द बैक सो यू हैव द कंप्लीट प्राइवेसी. राइट, दिस इज एन आईडिया हमारे बैकयार्ड के लिए, लगवा सकते हैं. यस, ये अमेजिंग है. यहाँ पे डेक है ऑलरेडी, राइट? आपको डेक अलग से बनाने की जरूरत नहीं, डेक है एंड देन आपका बैकयार्ड भी ओपन एरिया. ऑलराइट गाइस, लेट्स गो अपस्टेयर्स. यप, काउच, क्या अमेजिंग यहाँ से व्यू आएगा. पार्टी करो, बारबेक्यू करो. नाइस. And fireplace. Countertop देखो, इतना बड़ा हमारा भी countertop नहीं है. Really getting big countertops. ये कुछ indication मिल रहा है कि मनप्रीत को बड़ा counter चाहिए, like पीछे पड़ने वाली है बहुत बड़ा. So these are called guys built-in appliances. So you have your microwave oven and everything. So you have your oven and you have your microwave already built-in. This is called chef kitchen. Yes. All right, one more thing, guys. This is a new concept which is coming normally in these custom homes. This is a glass railing. This is pretty much the highest you can upgrade you can get in a home. Right now, let's go upstairs and see. Yeah, let's go. So, enter hote hi office space, dream office. मतलब ऐसा मेरे को तुम नीचे बिठाते हो, देखो office ऐसा होना चाहिए, ऐसा office होना चाहिए. और closet इतनी मस्त. And I think there's a lot of light also coming in. Right. Yes. But ये custom house है जैसे बताया था, तो आपने seller है उसने सब कुछ custom करवाया, door भी इसलिए उसने custom करवाया. And you can see this wall as well over here. Normally it's the same hardwood flooring which he's have put on the wall as well. पहली बार मैंने चीज देखी है light source यहाँ से. इंडिया में तो बहुत हमने देखा है ये वाली चीज. Because ये custom build है, builder बनाएगा तो शायद वो नहीं बना के देगा. Custom build है तो उसने अलग से light source यहाँ से निकाले हुए हैं. Light आएगी. Imagine snow के time snow गिरती हुई दिखेगी. Wow. चलो first bedroom देखते हैं quickly. Good. Like. Good size. Good size, but the best part is. विंडो देखो, ऊपर से लेके नीचे तक कोई दिक्कत ही नहीं. लाइट आपकी आएगी, विंटर में भी आप डिप्रेस होंगे. क्लोजेट देखो इतनी मस्त. देखो ध्यान नहीं रखा हुआ घर का, जाले वाले लगे हुए इतने महंगे घर के, बट अमेजिंग क्लोजेट. एंड बहुत अच्छा है. आई थिंक शॉवर भी अपग्रेडेड है, सब कुछ हाई एंड है, अपग्रेडेड. बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बिडे नहीं है, जेट नहीं है. सबसे जरूरी चीज नहीं है, आपने लाखों डॉलर इस पे लगा दिए बट जेट नहीं है. तो So guys, this is your master bedroom. आप देख रहे हैं. Between the space paths made of time and place. और that's pretty much all. That's your all upgraded master bedroom. You have huge setup, huge room. और आप इस वॉशरूम भी चेक कर ली. ये जो बेडरूम है ये कॉन्डो वाले बेडरूम से बेटर है, आई वुड से, लाइक मास्टर बेडरूम. और इसकी बेसमेंट देखोगे तो आप जबरदस्त है, इतनी स्पेशियस है. नीचे पूरा इसने मूवी थिएटर बनाया हुआ है, बड़ा प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, काउच लगाए हुए हैं कंफर्टेबल, और जिम इक्विपमेंट भी रखे हुए हैं. अगर बहुत स्पेशियस है तो जिम वगैरह करना हो तो नीचे कर सकते हैं. वॉशरूम भी जबरदस्त है बेसमेंट के अकॉर्डिंगली, और पेंट्री बनाई हुई है नीचे मस्त, अगर पार्टी वार्टी करनी हो तो. तो ये वाला भी अमेजिंग था, सेमी डिटैच ये वाला घर था. और कैसा लगा? बहुत अमेजिंग, मतलब काफी डिफरेंट था, काफी कस्टमाइज था, विच इज अनयूजुअल. यहाँ पे कस्टमाइज नहीं कराते लोग बहुत ज्यादा, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा था. तो कस्टम बिल्ड होगा वो महंगा ही होता है यहाँ पे घर, बिकॉज उसमें अपने तरीके से वो कस्टम कराया था, थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट भी होती है लोगों को. बट ये जो घर की कॉस्ट है 1.5 मिलियन है. आई वुड से टू बेडरूम है, टू बेडरूम एक ऑफिस है. हाँ, और नीचे रिक्रिएशनल एरिया, बट उसके
हिसाब से महंगा है, बट ये पोर्ट क्रेडिट में है। पोर्ट क्रेडिट के हिसाब से मैं बोलूंगा बहुत सस्ता घर है। यहाँ से आप 2 मिनट्स करके वॉक करके आप लेक शोर पे जा सकते हो। और ऑफ कोर्स सेमी डिटैच है, तो इसमें थोड़े से डिफरेंस होंगे, सो इसके डिफरेंस भी गौरव से पता करते हैं। तो ठीक है गाइस, सेमी डिटैच आपने घर देखा, लग्जरी सेमी डिटैच था, बट इसके भी थोड़े एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता कर लेते हैं गौरव से। पहले तो आपके सेमी में आपको फ्रंटेज ज्यादा मिल जाती है और आपका समटाइम्स डेप्थ भी आपको ज्यादा मिल जाती है। जो बंदे मोस्टली हमारे चाहते हैं कि हमें एक रेंटल अपार्टमेंट चाहिए, बेसमेंट में चाहिए, सो मोस्टली वो हमारे बंदे सेमी डिटैच की तरफ जाते हैं। इसलिए समटाइम्स आई वांट टू से कि सेमीज की अप्रिसिएशन सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू, बिकॉज आपको रेंटल इनकम साइड पे ऐड हो जाती है। ठीक है, वो प्रोज ये जाते हैं कि आपको मल्टीपल पार्किंग की जगह मिल जाती है। जो हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें वी वर एबल टू पार्क इवन 4 कार्स ऑन द प्राइवेट। ठीक है, टाउन हाउसेज में आपके पास इस चीज़ का लेवरेज नहीं होता। और यू हैव मोर लाइट कमिंग इन टू द होम एज वेल, बिकॉज आपको आगे से पीछे से और एक साइड से आपका घर ओपन होता है, तो आपको यू हैव लाइट कमिंग फ्रॉम द 3 साइड्स। ठीक, सो गाइज अबाउट भैया इसके कॉन्स हम ये कर सकते हैं कि सेमी डिटैच में एक तो ये सबकी डिमांड होती है कि हमें सेमी डिटैच मिल जाए, हमें फिनिश्ड बेसमेंट मिल जाए, सो दैट हमारा रेंट में थोड़ा सा हेल्प हो जाए हमारी मॉर्गेजेस के लिए। सो दैट्स वन ऑफ द कॉन्स मैं बोलूंगा, अदरवाइज कोई ज्यादा कॉन नहीं होता। यस इट इज कनेक्टेड, एक साइड से आपका कनेक्टेड होता है, बट अगर आपका कनेक्शन जो साथ वाले अगर थोड़ा सा लाउड बोल रहे हैं, जैसे कुछ ऊंची ऊंची गाने चल रहे हैं, तो यू डू स्टिल हियर समथिंग। आपका बैकयार्ड भी काइंड ऑफ कनेक्टेड होता है, तो इसीलिए थोड़ी सी आपकी प्राइवेसी उस चीज से इफेक्ट होती है। बट अदरवाइज सेमी इज गुड टू गो इफ यू फर्स्ट टाइम होम बायर्स, बट दैट्स द ओनली थिंग, इस चीज की डिमांड बहुत है और मल्टीपल ऑफर्स ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, और बिकॉज एवरीवन वांट्स टू रेंट इट आउट। एंड यस, जैसे गौरव ने बोला कि डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो मल्टीपल बिडिंग्स आती हैं। सो उसमें क्या होता है, 8 लाख का अगर लिस्ट होगा ना, तो 8-40 पे चले जाते हैं, बिकॉज मल्टीपल बिडिंग आती है, बायर उसको देगा जो सबसे ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है। बट फिर भी इसकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है सेमी की? एवरेज कॉस्ट भी यार नॉर्मली तो सेमी डिटैच 7.5 से भी शुरू हो जाते हैं, बट इट कैन गो अप टू 850, इट कैन गो अप टू 845 एज वेल, डिपेंड आप कितना अपग्रेड आपके घर में, अगर आपकी बेसमेंट लीगल बनी हुई है, आप इसको रेंटेबल लाइक द डे यू मूव इन, अगर आपको उसके रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, तो वो ऑलवेज एक्सपेंसिव बिकेगा। और इवन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो किसी को ऑलरेडी मल्टी डिवेलिंग यूनिट बेच रहे हैं, तो वो ज़्यादा पैसे एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज इंस्टेड ऑफ जैसे आप अपने घर से अपनी जेब से पैसे लगा के जब आप बेसमेंट बनाते हैं, इट्स ऑलवेज कॉस्ट यू $40,000, $30,000-$40,000। बट अगर आपको वही बना बनाए आपके घर में मिल जाए, तो आपको बैंक से आप उस चीज़ के आपको पैसे मिल जाते हैं, सो यू गेटिंग दैट मनी ऑन लाइक 2% इंटरेस्ट रेट दिस डेज। सो दैट्स वाई एवरी बंदे का ये होता है, इसलिए थोड़ी सी सेमी की प्राइसेस ऊपर चली जाती है। गुड, दैट वॉज गुड इन्फॉर्मेशन। सो ठीक है, सेमी के बारे में हमने सब कर लिया, आप देखने चलते हैं टाउन हाउस, वो भी एक बहुत अनोखे टाइप का घर होता है। सो लेट्स गो।